बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपकी दूर देश की यात्रा होगी, योजनाएं सफल होंगी, खेल के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, आज आपको पुरस्कार मिल सकता है, आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएँ पूर्ण होगी, आपके विरोधी रोग और शत्रु से अपने को घिरे हुए महसूस करेंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पत्नी की हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, अज्ञात स्रोत से धन मिलेगा और महत्वपूर्ण पद प्राप्ति का योग बन रहा है, संतान का सुख मिलेगा, नए तरह के इंडस्ट्री लगा सकते हैं, कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा, सावधानी क्या बरतनी, खर्च पर नियंत्रण करें, उपाय क्या करना, सरसों का तेल दान करें और आज भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग है काला, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते जय मां काली। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि आज का महामंत्र क्या है, महामंत्र का जप कैसे करेंगे, जप करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, पंचांगों के बारे में बताएंगे कि पंचांग की क्या स्थिति है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्रोदय कब होगा, चंद्रास्त कब होगा, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, योग क्या है, करण क्या है, राहु काल कब है, दिशाशूल कब है, ये सारी बात हम आपको बताएंगे। बारह आइए बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। यह जो महामंत्र है, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का है। अगर आप भगवान श्री गणेश जी की आराधना करते हैं तो आपका सारा कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। भगवान श्री गणेश की कृपा से आपकी प्रगति होती है, हेल्थ वेल्थ आपका ठीक होता है और भगवान श्री गणेश की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर कोई भी कार्य करते हैं उसमें विघ्न बाधा आती है तो भगवान श्री गणेश को कहते हैं कि विघ्नों को हरने वाले विघ्न हरता है और ये मददगार होते हैं, ये प्रतिपल आपकी मदद करते हैं। तो इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 24 जुलाई 2024 दिन है बुधवार, तिथि है तृतीया, सद्विशा नक्षत्र है, विष्टिकरण है, सूर्योदय हो चुका है सवेरे 5:38 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:16 पर, चंद्रमा रहेगा कुंभ राशि में और शुभ मुहूर्त आज नहीं है, इसलिए खरीदारी तत्काल करने से बचे हैं। राहु काल है दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 2:09 तक रहेगा, उत्तर दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा नहीं करना है, लेकिन लगता है यात्रा पूर्व निर्धारित है तो आप क्या करें कि एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल के तब करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज खरीदारी के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है तो कोई भी नया कार्य शुरुआत करने से बचें। दिशाशूल में यात्रा एकदम न करें, इस बात का भी ध्यान रखना आपको, और राहु काल में कोई भी नया कार्य न करें। अब आइए हम बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, कौन विदेश जाएगा, किसको सरकारी नौकरी मिलेगी, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, आयात निर्यात से किसको धन मिलेगा, कौन उच्च पद प्राप्त करेगा, किसकी राजनीतिक स्थिति कैसी होगी, पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, सारी बात बताएंगे। किस रंग के प्रयोग करने से आपका भाग्योदय होगा, किस रंग के प्रयोग करने से आपको बड़ी सफलता मिलेगी, सावधानी क्या बरतें, उपाय क्या करें। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से।